आका के जान जहान आका सच आका ते रब दी में शान आका सच आका ते रब दी में शान आका जिस शान तुशाना सब बनिया अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन सुब्हानल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका सुब्हानल्लाह मा अजमलका मा अहसनका मा अकमलका किथे मेरे अली किथे तेरी सना किथे मेरे अली किथे तेरी सना गुस्ताख हकीकत जानियां अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन अल्लाहुम्मा सल्ले अला सैयदना व मौलाना मुहम्मदिन दिल दुनिया नाल तुलावीना गल अपने मुसीबत पावीना दिन हशर दे फिर पछतावीना पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह जद सादी डोर ने टूट जाना रह मटी दा बस ए बुत जाना फिर मेदा रोला मुक जाना पड़ोला एला इल्लल्लाह का मकसद क्या है खालिक के कायनात ने इस मकसद को वाज़े फरमाया लियबलुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला मौत और हयात की तख्लीक का मकसद ये है ताकि तुम्हारी आजमाश हो जाए देखा जाए कि तुम में से अच्छे अमल कौन करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने इंसान को पैदा फरमाया और पैदा फरमा कर ये भी इरशाद फरमाया कि आफा हसीब तुम अन्नमा खलकनकुम अबसा क्या तुम ये गुमान करते हो कि हमने तुम्हें अबस पैदा किया अबस माने बेकार बेमकसद अफा हसीब तुम अन्नमा खलकनकुम अबसा क्या तुम ये गुमान करते हो कि हमने तुम्हें बेकार अबस पैदा किया व अन्नकुम इलैना ला तुरजाउन और तुम ये गुमान कर बैठे हो कि तुमने वापस लौट कर नहीं आना तो पता चला कि ना हमारी तख्लीक अबस है ना हमारा दुनिया में आना अबस है और ना ही हमने यहाँ हमेशा रहना है। अगर किसी का यह गुमान है कि अलयादुबिल्ला के हम बेमकसद इस दुनिया में आए हैं हमारा आखरत के साथ कोई मकसद और ताल्लुक नहीं है या ये गुमान कर लेना कि हमने यहाँ हमेशा रहना है तो ये भी सोच जो है वो अबस है। इसलिए खालिक के कायनात फरमाता है कि ना हमने तुम्हें अबस पैदा किया है बेकार पैदा किया है और ना ही तुमने हमेशा इस दुनिया में रहना है।